जनपद संभल के चंदोसी में अभी तक न्यूज इंडिया के संवाददाता ने भापा मतदाताओं का मूड। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल के चंदोसी का है, जहां पर लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा चुनाव में 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन मतदान होगा, जिसका जायजा लेने के लिए आज अभी तक न्यूज इंडिया के संवाददाता सरफराज अंसारी ने क्षेत्र के मतदाताओं से बातचीत की और उनके मूड का जायजा लिया। आइए देखते हैं क्षेत्र की जनता ने मतदान करने को लेकर क्या कहा, सुनते हैं इस रिपोर्ट में। मोहम्मद अजीम साहब, आप 31 विधानसभा के वोटर हैं और इस बार आप पहली बार शायद वोट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो इस बार आप किसको वोट देंगे? इस बार हमारा वोट वही बिमलेश कुमारी जी को जाएगा और इंशाल्लाह हमारी पूरी। बिमलेश कुमारी किस पार्टी से हैं? समाजवादी पार्टी से है। अच्छा, आपका वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा। समाजवादी पार्टी को क्यों जाएगा? समाजवादी पार्टी को यूँ जाएगा कि समाजवादी पार्टी में काम कुछ अच्छे हो जाते हैं और ये बेरोजगारी नहीं रहती है, और जिस तरीके से बेरोजगारी अब तक बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा, ये कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, आपकी विधानसभा में जो विधायक हैं उन्होंने विकास कार्य किए? नहीं, अभी तक तो देखो कुछ भी पब्लिक के बीच में कभी दिखाई नहीं दिए। तरुण कुमार जी, विधानसभा चुनाव 14 तारीख को अपने यहाँ वोट पड़ेंगे, तो किसको वोट करेंगे इस बार आप? हम भाजपा को। भाजपा को क्यों वोट करेंगे? योगी जी के लिए। समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं करेंगे? सिर्फ योगी जी के लिए। ऐसी क्या बात जो आप योगी जी को वोट करेंगे? जो भाजपा ने कहा था वो कर दिया। लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख कभी नहीं बताएंगे, लेकिन योगी जी ने मंदिर भी बनवा दिया, तारीख भी बता दी। क्या नाम है आपका? रिंकू। क्या काम करते हैं आप? चाट का काम करता हूँ। अच्छा, 31 विधानसभा में रहते हैं आप और इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ जोरों पर चल रही हैं। 14 तारीख को यहाँ पे मतदान भी होना है, आप भी वोट करेंगे, तो इस बार किस पार्टी को वोट करेंगे आप? ज़्यादातर तो वही चल रही है इस टाइम। कौन? योगी जी चल रहे हैं। आप भी योगी जी को वोट करेंगे? तो योगी जी को वोट करने की क्या वजह है, आपको क्या चीज़ उनकी पसंद आई? सुरक्षा अच्छी है इसमें। क्या सुरक्षा? यही है, आराम से खड़े हैं, हटा हुआ चाहिए नहीं, गुंडागर्दी नहीं है। अच्छा, समाजवादी पार्टी को क्यों वोट नहीं करेंगे आप? वो भी सही है, दोनों ही सही है। उसमें क्या दिक्कत थी? हमारे लिए तो दोनों ही सही है, उसमें यही है जैसे तो वही सरकार सही चल रही है भाजपा। क्या नाम है आपका? कयूम नाम है। कयूम साहब, आप 31 विधानसभा के वोटर हैं। जी, जी। तो इस बार किस पार्टी को वोट देंगे? जी, समाजवादी को। समाजवादी को वोट क्यों देंगे? जी, अच्छा ही लग रही है समाजवादी से भाई। अच्छा, आपकी जो विधायक हैं जी, 31 विधानसभा चंदोसी की, उन्होंने विकास कार्य किए हैं? जी। उन्होंने काम करवाए? जी, वो तो पहली बार आएंगे तब वो निकल के। आप नहीं, दूसरी बार मौजूदा विधायक थी तो उन्होंने विकास कार्य कराए आपके? कोई विकास नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। तो इस बार क्या उम्मीद लग रही है आपको? जी, समाजवादी से हो सकता है विकास हो। क्या नाम है आपका? मानस सप्रा। आप 31 विधानसभा के वोटर हैं जी, इस बार किसको वोट करेंगे? कमल का फूल। कमल के फूल को क्यों? हाँ जी, कमल के फूल को ही क्यों? कमल के फूल और किसी पार्टी को क्यों नहीं? और किसी पार्टी में अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं जोश, जो कि कुछ करे। पहली बात तो यहाँ पे भी अभी तक ऐसा कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं है। अच्छा, आपकी आपकी जो विधायक हैं भाजपा की हैं, उन्होंने विकास नहीं किए? ऐसा कुछ खास नहीं किया, लेकिन जो करना चाहिए चंदोसी के लिए मेनली। तो फिर आप क्यों वोट कर रहे हैं? उम्मीद एक बार और करके देख रहे हैं, इस बार शायद विकास हो जाए। यस, उम्मीद है आपको? यस, उम्मीद तो है। बाकी ऊपर देखा जाए माननीय योगी जी से तो बहुत उम्मीद है, वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन नीचे वाले भी कुछ कर रहे हैं ना। उन्होंने तो प्रदेश के लिए काफी किया, लेकिन आपके विधायक ने क्या किया? विधायक ने ऐसा कुछ खास नहीं किया। क्या कमियां रह गई विकास होने से? भैया, सभी कुछ कमियां ही कमियां हैं। सड़कों का हाल देख लीजिए, यहाँ का क्या हाल है, हद से ज़्यादा बदतर हालत हुई पड़ी है। हर जगह की चंदोसी की हर गली का हाल देख लीजिए, बुरा हाल है ना। कोई पानी की व्यवस्था हो रही है कि जल भराव की, कोई वो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ खास कहने का मतलब ये आपका कोई विकास नहीं हुआ आपके विधानसभा में?